सब लोग बैठ जाइए। सभी को जगाया। हरे कृष्णा, सब आराम से बैठ जाइए। तो अब हम एक स्टोरी देखने वाले हैं। एक व्यक्ति होता है विराज करके, उसको लॉजिक हर जगह लॉजिक लगाने की, लोगों की टांग खींचने की बहुत बड़ी बुरी आदत होती है। तो उस आदत का उसको कैसे परिणाम मिलता है वो हम देखेंगे अभी। चलिए हम अभी शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। समोसे ले लो, समोसे, ताजे ताजे समोसे। अरे इधर है, अरे मक्की नहीं बैठ जाने के। उड़ा उड़ा। अरे आओ भैया आओ, अरे आओ, अरे आप तो रेगुलर कस्टमर हो हमारे। लगाओ दो समोसे लगाओ फिर। अब खाओगे? नहीं, लेके जाऊंगा। अरे हर बार खाता हूँ, तुम कैसे इंसान। आओ बैठो बैठो। जल्दी लगाओ। हाँ, आपके और आज ताजे नहीं निकले ना, दो दिन के बासी मत खिलाना। नहीं नहीं ताजे निकले। आपको बादाम के तेल वाले चाहिए कि राई के तेल वाले? बादाम के तेल वाले खिलाओ। बादाम के तेल वाले चाहिए। दोनों ले लो, दोनों खा के देखो। अच्छा सही बनाए तुमने वैसे तो, अच्छे लग रहे। सो अच्छे तो है, खा के बताओ कैसे। बासी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं अभी ताजे बनाए। लगता है तुम हो चालाक हो। उस दिन आपको 10 दिन पहले खिला दिया था बासी वाला, तो आपका तो पेट खराब हो गया। अरे अरे आओ भैया आओ, ले लो समोसे ले लो, 10 के 3 देंगे। ये समोसे अच्छे तो है। हाँ गेहूं के बनाए हुए हमने, बादाम के तेल में। बट ये तो मैदे के लग रहे हैं, मैदा तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। गेहूं के हैं कि मैदे के हैं? देखो समोसे तो अच्छे हैं, किसके हैं वो बता। बट ये तेल देख के तो लग रहा है कि ये तो बहुत पुराने तेल है। नहीं नहीं ज्यादा ज्यादा 2 दिन पुराना होगा। नहीं इसे देख कर तो लगता है कि 1-2 हफ्ता पुराना तेल है, दम काला पड़ गया है। आप प्रूफ कर सकते हो? करो। हम गाँव के हैं तो हम करें, समझ में नहीं आएगा। गाँव के लग रहे हैं बट ये बराबर नहीं है, मतलब ये समोसे इतने। अरे ये रोज आते हैं, देखो इनको कुछ हुआ क्या? नहीं, देखो तो मैंने देखो खा खा के फूल गए। अरे ना ना वो तो आलू का असर है, गेहूं से कोई कैसे फूलेगा? वो मैदे का असर, ये गेहूं के बने ही नहीं है 101%। नहीं हमने तो केरला से इम्पोर्ट करवाए गेहूं। केरला में तो चावल उगता है, गेहूं कहाँ उगता है? केरला में चावल उगता है? हाँ भैया चावल उगता है। आप बस बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। अरे ना ना हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे? आप बेवकूफ बना रहे हो। नहीं आपके पास कुछ तो तर्क होना चाहिए हमको सिद्ध करने के लिए, चलो बताओ। इसे देख के लगता नहीं कि ये ताजे ताजे हैं, ये बहुत स्टिकी है, तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। सच्ची? अरे इनको तो पता चल गया। देखो पता, अब आप खाओगे कि नहीं? देखो भैया ये तुम्हारे समोसे तुम ही रखो फिर। अरे नहीं नहीं ऐसे ऐसे चलो मत मैं करो, ऐसे मत। चलो मैं चला। अरे ये चालू करो फटाफट, चालू करो फटाफट, चालू करो। मैं अभी बोलूंगा ना। क्या आटा लेके आता हूं वो हटा दो ना, वही से बोल। अभी आप कर। बैल वाला है ना वो जीतेगा। ऐसे देखो स्पिरिचुअल टॉक्स में कभी कभी आप तर्क कर सकते हो, लेकिन हमेशा तो आपका तर्क चलेगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल थॉट्स अलग लेवल पे काम करते हैं। आपका तर्क नहीं बता।
अरे वो रोहन प्रो को बुलाओ, कंक्लूजन देंगे। अरे रोहन किधर है यार, वो किधर है? कंक्लूजन देना। अरे वो जाओ, बोले उसने रेडी किया है क्या? अरे तो आप सभी का प्रश्न होगा कि लास्ट में क्या हुआ, किसी को कुछ समझा लास्ट में क्या हुआ? गया किसको समझा लास्ट में क्या हुआ? नहीं समझा लास्ट के सीन के डायलॉग्स जो बैल वाला था, जो चक्की चला रहा था, हाँ, तो उसको वो जो बहुत बुद्धि वाला आदमी है जो मेरे से आके तर्क कर रहा था अभी कि आपका समोसा गेहूं वाला है कि मैदे वाला है, तो वैसे उसने चक्की वाले को बोला कि क्या पता आपका बैल आपको झूठ बोल रहा होगा, इसके लिए काम में देरी हो रही है। तो बैल के गले में घंटी बंधी हुई है तो बजेगी। तो जो इंटेलिजेंट आदमी था उसने बोला अरे वो तो ऐसे ही सीरे लाएगा तो घंटी बज जाएगी। तो वो तो चले गए थे ना जो चक्की वाले थे, इसके भरोसे भी घंटी बज के काम हो रहा है। तो फिर वो इंटेलिजेंट आदमी बोला नहीं नहीं मेरे को दिखाओ करके। तो वो गया देखा तो बैल को तो बुद्धि ही नहीं थी। तो वैसे हम अपना तर्क सभी जगह पर नहीं लगा सकते, जैसे कोई कोई स्पिरिचुअल में तर्क लगाते हैं नहीं नहीं आप ऐसे करते हो, आप चैंटिंग करते हो तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो हमेशा उनका ही लॉस होता है उसमें। अभी जो इंटेलिजेंट आदमी था उसका ही लॉस हुआ, उसका टाइम का लॉस हो गया। वैसे मेरे